अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास है। तो भाई आपने देखा होगा मेरा बैकग्राउंड आगे पीछे जो है, मैं अपने घर की बैठक से यानी अपने कमरे से व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज आपका भाई जो है अपनी छत से जो है व्लॉग स्टार्ट कर रहा है। तो यार आपको मैं बता दूं, आज का जो हमारा व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि 26 और 27 तारीख को हमारा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस चिनाब नगर में एक जलसा है। तो भाई बहुत ही बड़ा जलसा होता है, लाखों अरबों खरबों करोड़ों लोग आते हैं। यार मैं आपको क्या बताऊँ कि आदमी की नज़र जिधर तक भी है ना, उधर तक लोग ही लोग नज़र आते हैं, और छोटे छोटे कीड़े नज़र आ रहे होते हैं कि यार इतने लोग होते हैं ना कि इंसान ही नज़र ही नहीं आते, छोटे छोटे लग रहे होते हैं, छोटे छोटे मतलब के बोने शोने नहीं होते, वो लग रहे होते हैं। तुम्हारा कुछ पूछा मैंने कुछ? यार मैं आपको बता दूं कि उधर जाना जो था ना, मैंने आपको बताया था कि मैं जाऊंगा, तो आज मैं नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है कि भाई मैंने अपने पापा से कहा और भाई से कहा कि ऐसा करें ना, आप चले जाएं, आप बड़े हैं, ठीक है, हम छोटे हैं, कोई मसला नहीं यार, हम नहीं गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उनको मैंने कह दिया कि भाई आप चले जाएं। अब जाने की वजह मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों नहीं जा रहा, उसकी वजह एक तो ये है कि यार किराया ही बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 1500 रुपये के करीब किराया था। वैसे जो है यार हम पिछले साल गए थे, हमने तकरीबन 600 रुपये दिया था, और इस साल इतनी महंगाई तो नहीं हुई, पेट्रोल तो था वो महंगा था, वापस तो थोड़ा सस्ता हो गया, लेकिन यार 1500 रुपये समझ में नहीं आता, इतने आपके भाई के पास मतलब पेमेंट जेब में नहीं होती, अपनी जेब खर्चा इतना मेरा नहीं है, तो इस वजह से जो है मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास इतनी पेमेंट नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने वाले साहब से ले लेते, तो भाई वाले साहब से मैंने इस वजह से नहीं लिए क्योंकि यार पहले ही वाले साहब के हमारे ऊपर बहुत ही बड़े एहसानात हैं, बहुत ही उन्होंने जो हमारी खिदमत की है, हर तरह से हमारी खिदमत करते हैं, लेकिन मैं उनको मजबूर नहीं कर सका कि यार जो है ना मुझे पैसे दे, मैंने जाना चिनाब नगर। तो मैंने भाई कह दिया कि मैं नहीं जा रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, बस उनको राज़ी करने के लिए और उनको जाने के लिए मैंने उनकी हौसला अफजाई की कि आप चले जाए, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे थोड़े से काम है। तो भाई आपको मैं बता दूं यार, खैर वेलकम बैक तो हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमीन व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाला व्लॉग आपको मिलता रहे। तो आपको मैं बता दूं भाई, सूरज भी निकल चुका है, बिल्कुल सामने है, ठीक है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, लाइनें शाइनें लगी हुई हैं। तो यार आपका भाई छत पर मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ से जो है धूप पड़ रही है मेरे चेहरे पर। तो अभी फटाफट से नाश्ता करते हैं यार, फिर नाश्ता करने के बाद जो है हम निकलते हैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम की तरफ, जामिया अशरफिया की तरफ। नीचे जो है मेरा दोस्त आ चुका है, पहले फटाफट से नाश्ता करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। A few moments later. फाइनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे आ चुके थे, ठीक है, पढ़ छड़ लिया भाई, पढ़ाई हमारी क्लियर हो गई है। आपको पता है कि भाई आज जुमेरात है, तो भाई जुमेरात जुमा हमें फिर छुट्टी हो जाती है जल्दी, तो इस वजह से है ना तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं, हमें छुट्टी वैसे भी हो गई है, क्लास में अभी कोई भी नहीं है, सारे बच्चे चले गए हैं, और आपको पता है कि आपका भाई जामिया अशरफिया की क्लास का अमीर है, इस वजह से मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, क्लासेस हमें सारी संभालनी होती हैं। अभी एक वो दरवाज़ा है और एक ये दरवाज़ा है, अभी इसको बंद करते हैं, यहाँ से कुंडी शुंडी लगाते हैं और फिर अपना बैग पकड़ते हैं, बल्कि बैग उन्हें अलमारी के अंदर रख लिया, अपनी मतलब के ड्रेसिंग श्रेसिंग जो भी है, जैकेट शैकेट रुमाल पकड़ लेते हैं, फिर यहाँ से हम निकलते हैं। तो अभी फटाफट से जाते हैं, ये दरवाजे शराब बंद कर देते हैं, बाहर मेरा दोस्त जो मैंने जैसे आपको बताया था शुरू में कि मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है, तो अभी वो फिर बाहर आके मेरा इंतज़ार कर रहा है कि आ जाओ भाई, क्योंकि बाइक की चाबी मेरे पास है, बाइक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लेके आया हूँ, क्योंकि आज मेरे भाई जो है मैंने आपको बताया कि बड़े भाई सॉरी फरमान भाई और मेरे पापा वो दोनों गए हुए हैं चिनाब नगर जलसे पे, तो मैं यहाँ पर मदरसे भी आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। अभी बाहर जाते फटाफट से अनस भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं जाके। फाइनल जो है अनस भाई आ गए, अनस क्या हाल है? ठीक है, तो वैसे ठीक है, तो अनस भाई आ गए, अभी फटाफट से निकलते हैं, बाइक हमारी बिल्कुल रेडी है। A few moments later. फाइनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ड्यूटी दे के दुकान पे फारग हो चुका हूँ, अभी तकरीबन आप देख सकते हैं 9:15 होने वाले हैं। तो यार आज का हमारा प्लान कुछ इस तरह, अभी रात तो हो गई है लेकिन हमारा प्लान ये है कि अभी कुछ घंटे पहले मुझे दोस्त का फ़ोन आया कि यार काफ़ी दिन हो गए हैं और सर्दियों की भी स्टार्टिंग हो रही है, तो हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो जाते कोई खाना शाना खा लेते हैं, मतलब कोई अच्छी वी आई पी किस्म का खाना शाना खा लेते हैं। मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या खाने जा रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता, जब मैं नहीं हूँ सामने आएगा उसमें से हम चूज़ करेंगे। तो यार मैं आपको बता दूँ हमारा प्लान बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि भाई आप पूरा देखें। अभी मैं उसके इंतज़ार कर रहा हूँ, उसका फ़ोन तो आया था कि मैं आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है, तो खैर थोड़े इंतज़ार कर लेते, जैसे ही वो आएगा हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन आपको इसके साथ बता दूँ कि चेक करो भाई साहब, वही परिंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना, रात के 9:15 बजने वाले हैं, अभी तक बैठा हुआ है माशाल्लाह। इसका तकरीबन ये आप देख सकते हैं, ये अंडा जो है कल इसने नीचे गिराया, तो ये अंडा से हम मैं आपको बता दूं कि भाई पीछे इसके बच्चे शच्चे पैदा हो रहे हैं, भाई बहुत खुशी हो रही है, ये एक दफ़ा गया फिर आया फिर गया फिर आया, तो भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला के हम पर नेमत है कि यार परिंदे जो हैं
अपने घर हमारे घर के अंदर बना रहे हैं, हमारा घर उनके लिए रहने का जरिया बना हुआ है। तो यार खैर ये तो बातें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, तो अभी इसके इंतजार कर रहे, जैसे ही वो आ रहा है उसके साथ निकलते हैं भाई यहाँ से। यार फाइनल जो है हमजा भाई आ गए, ठीक है बाइक शेक ले आए हैं, मेरी बाइक का तो आपको पता ही है बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, तो अभी बैठ जाते हैं निकलते हैं भाई यहाँ से। हम आ गए ठीक है ना, यहाँ से मेन्यू शेन्यू दे आ गया हमारे पास, क्या क्या खाना है, ये मच्छी शच्छी है। देखो यार हमजा भाई देखो ज़रा, कोई आपको अच्छा लगता है मुझे बताओ, फिर इसका ऑर्डर दे देते। रेट तो बहुत ही ज़्यादा है, 3500 पता नहीं क्या क्या रेट लिखे हुए, 1000 भाई, 1200 1300 1100 1300 है, 3000 है क्या है, हाँ 3000 फिंगर फिश है। किसका ऑर्डर दे, ग्रिल फिश क्या दे, ग्रिल फिश, हाँ ग्रिल फिश का दे देते हैं, और साथ में रहता शहता भी आ जाएगा। रहता कितने का इनका, पिछले साल तो हमने खाया था, कितने का था, कहाँ पे रहता 90 रुपए का, यार इतना महंगा, पिछले साल 40 का था ना हमने जो लिया था, हाँ लेकिन नहीं यार पिछले साल हमने 40 का दिया था उनके, जो हमारे पास पेमेंट आई थी हमने 40 रुपए दिए थे है ना। चलो खैर जो भी ऑर्डर शार्डर दे देते हैं यार। सो यार फाइनल जो है हमारी मछली आ गई है, ठीक है अभी ग्रिल आने वाली है, ग्रिल नहीं आई तो यार ये मछली हमारी फ्राई होके आ गई है, अभी इसका शुरू करते हैं, उतनी देर तक ग्रिल भी हमारी आ जाती है। सो यार फाइनल जो है हमने अपना खाना शाना खा लिया, ये हमारी वो क्या कहते हैं फ्राई फिश थी और साथ में ग्रिल फिश, ये जो है चटनी शटनी, ये आपके भाई ने थोड़ा सा खा लिया, फुल हो गया यार आपका भाई, और ये बिल भी आ गया। फाइनल जो है हम आ चुके थे, खाना खाना हमने खा लिया ठीक है, अभी हम अपनी गली में जा रहे हैं, गली में बड़े भाई का फ़ोन आ रहा है, ये गली चेक करो भाई, ओए ये गली है भाई, ये हमारे इलाके की गलियां शलियां होती हैं, एक उधर से आ जाए एक इधर से आ जाए तो फिर बस ट्रैफिक जाम। अभी तो फटाफट से घर जाता हूँ, फिर मैं आपको घर में मिलता हूँ। आए 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 गड्ढे कितने ज़्यादा है यार, ओए 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 घर में आ गया हूँ ठीक है, हमजा भाई मुझे छोड़ के चले गए अपने घर और मैं अपने दरवाजे के आगे खड़ा हूँ, अभी दरवाज़ा खटखटाते हैं। The next day जो है अल्हम्दुलिल्लाह मगर आ चुका था, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से जो है मैंने सोने की है, मैं जल्दी से सो गया, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो भाई आज जो है जुमे का दिन है, तो भाई मेरी तरफ से सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को जुमा मुबारक हो, आप कमेंट में जो है खैर मुबारक ज़रूर लिखिएगा। तो यार यहाँ पर मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमीन वीरो को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से लाइक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाला ब्लॉग आपको मिलता रहे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।